अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी, संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी, ठक 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 ठक, जैसे जूते नसी खा रहे थे। आवाज बढ़ती जा रही थी, ठक ठक ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या, वहाँ वहाँ दूर 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 तक संजय नहीं था, न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए, प्रियंका के होठ 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 सूखने लगे, प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा खोला, तभी 40-50 चमगादड़। प्रियंका घबराई नहीं, प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा रोया सा, जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा, नल ने प्रियंका को देखा, मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है, वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था, और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई। प्रियंका घबरा गई, प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में उसने जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? वो सीधे जाओ, वहाँ से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहाँ पर मोटी कब्र है, उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा, तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला, डरने की क्या बात है, मैं इस दरवाजा खोल, गड़बड़, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा कैसे खोलूं? अभी तो मैं अपनी आंख भी नहीं खोल सकता, पूरे शरीर पर साबुन लगा है। 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट? यार 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे सुन यार, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, तुझे पता है यार। तो फिर बालकोनी में जा। जब तू टॉयलेट इंगेज रखता है ना, तो वही इमरजेंसी टॉयलेट मेरे काम आता है। अरे नहीं नहीं यार, कर्नल देख लेगा तो गोली मार देगा यार। अबे मुझे मारी क्या आज तक, जो तुझे मारेगा। फिक्र को धुएं में उड़ा था चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ा था चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता फिजूल है। तुम क्या करता है, मेरे बाल खराब कर दिए। पौधों में पानी डाल रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आदमी है तुम। अब एक काम करो, पानी तुम दूसरी तरफ दो, क्योंकि ये पानी मेरी चाय में गिर रहा है और मुझे चाय पीना है। देखिए आप ये चाय मत पीजिए। Why? Why? ये तो पानी तो पी। Shut up, you idiot! चाय भी तो पानी से बनता है। फौज में तो हम यही चाय पीते थे। इसने तो बिस्किट भी गीले कर दिए। कोई बात नहीं, आज चाय। लगता है भादुर मेरी गोली खा कर ही रहेगा। आज चाय में मसाला बहुत डाल दिया। भादुर,
कर्नल उसी जाएगो। चुप कर यार, कर्नल को पता चल जाएगा तो गोली मार देगा। यार एक बात बता, तू अपनी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाता? क्या इलाज कराऊं यार, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं छोड़ा, कुछ होता ही नहीं। बुलावा रोको, कितनी देर कर दी है, लगता है डॉक्टर आ गया। हम यहाँ पर आए भैंस की डिलीवरी करवाने, कहीं कुछ पूछ हो गई तो कौन लेगा जिम्मेदारी? अबे ये तो ऑटो में आ गया, जा जल्दी जाके ऑटो छोड़वा, जा 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 जा। डॉक्टर आ गया। अभी तुम लोग अंदर जाओ ना, बेशर्म पे। नमस्कार जी। नमस्ते। आप नहीं हम देंगे। राधा कहाँ है? डॉक्टर। नमस्ते। नमस्कार। अरे पहले से मुंह मीठा करने का प्रोग्राम बना रखा है? नहीं नहीं नहीं, हम मुंह मीठा नहीं करेंगे, पहले राधा को देखेंगे, काम पूरा करेंगे, उसके बाद मुंह मीठा करेंगे ना। अरे आप पहले बैठिए तो सही डॉक्टर साहब। अच्छा टाइम है इसका? अरे बहुत टाइम है, बैठिए बैठिए। चलिए नो वरी नो वरी। भैया जी, राधा के बारे में कुछ डिटेल चाहिए होंगे। पूछो बेटा पूछो। ये बताइए कि राधा आपकी अपनी है या? अपनी है बेटा, 100% अपनी है, अपनी बच्ची है। बच्ची है? बच्ची है? ये बताइए कि इस बच्ची को पहले बच्चा है क्या? डॉक्टर तुम मेरी राधा के करेक्टर पर डाउट कर रहे? आप तो ऐसी तची हो रहे भाई, पूछताछ तो करनी पड़ती है ना, चेकअप तो करना पड़ता है ना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो भैया जी। लेकिन बेटा चेकअप करना जरूरी है? हाँ भैया जी, बहुत जरूरी है चेकअप करना। बाय गॉड की कसम, क्या है कि हम भी चेकअप करेंगे, और तो और हमारे साथी आएंगे वो भी चेकअप करेंगे। क्या? अरे भाई कोई बड़ी प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हम राधा को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ उसको अपने साथ रखेंगे। क्या? आप सब मिलके राधा को साथ रखेंगे डिलीवरी तक? एक बार बच्चा हो गया तो राधा को और बच्चे को हम सही सलामत आपके पास छोड़ जाएंगे। भैया जी चौंक रहे। देखिए सबके सामने आप हमसे एक वादा कीजिए कि जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो आप रोज हमें राधा का 1 लीटर दूध भिजवाएंगे। अरे भैया जी, अरे 1 लीटर दूध क्या मांग लिया, परेशान हो गए? इतना तो हक बनता है हमारा, है इतना तो बनता है हक हमारा कि नहीं है? क्या करने वाला है? बड़ो उड़ जाए। कुछ तो कंफ्यूजन है। चल कोई कंफ्यूजन नहीं है, चल। एक मिनट सुनिए, हम तो राधा भैंस के बारे में बात कर रहे थे, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपनी बेटी राधा की बात कर रहे हैं। छी छी छी, घिन आती हमें आपके ऊपर, किस तरह के बाप हैं आप। अरे हम तो राधा भैंस के बारे में बात कर रहे थे और आप बेटी के बारे में बात कर रहे थे। हम आपकी बेटी को न जाने क्या कुछ नहीं कहेगा अनजाने में, लेकिन आप हाँ में हम मिलाए जा रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो गोली मार देते। भाई गॉड, आपने हमें एक बार ये क्यों नहीं कहा कि राधा आपकी बेटी है? लेकिन तूने भी एक बार क्यों नहीं बोला कि भैंस दिखाओ? अगर हम भैंस को भैंस बोलते तो आप बुरा नहीं मान जाते? अरे तू भैंस को भैंस नहीं बोलेगा तो क्या मुझे बोलेगा? और मैं क्या पागल हूँ? तू भैंस को भैंस बोलेगा तो मैं बुरा मान लूंगा? सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, बहुत टची हो जाते हैं आप। अरे हमारे एक क्लाइंट है डिसूजा, कुत्ता बीमार हो गया उनका, हमें बुलाया, हमने जाकर बोला कुत्ते को बुलाइए, बुरा मान गए, कुत्ते की तरह नोचते लगे हमको, कहने लगे ये कुत्ता नहीं है, हमारा फैमिली मेंबर है, इसका नाम है। आप बताइए। ठीक है आज से हम अपनी बेटी का नाम बदल देंगे। आप नाम बदले चाहे कुछ बदले, ये बताइए कि हरबस लाल का तबेला कहाँ है? तबेला उधर है पीछे, जा जा। हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लड्डू बड़े फ्रेश लग रहे हैं, एक तो खा ले। अबे तबेले में जाके गोबर खा, गोबर। चल चल निकल निकल। ऑटो का पैसा दे रहे हैं। ऑटो का पैसा? अरे दे रहे हैं, दे रहे हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। चल चल अभी चल चल निकाल। एक रुक सुन, तू राकेश पांडे का भतीजा नहीं? नहीं। तो कौन है बे तू? हम जानवरों के डॉक्टर हैं, हमारा नाम है कुशाल भारद्वाज। कुशाल भारद्वाज, अच्छा नाम, माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा है। तू प्यार से जा,